ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ मास सिस्टम, ये अर्थ है, ये सेंटर है उसका, रेडियस आर ले लीजिए, मास अर्थ का कैपिटल एम ले लीजिए, और इसके सरफेस पे अगर कोई दूसरा मास पार्टिकल एम नॉट है तो इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर दो मास पार्टिकल M1, M2 r दूरी पे अगर हैं, इनकी पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस जी M1 M2 बाई r होता है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस अर्थ के, अर्थ को हम पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे, अर्थ का मास m है और यहाँ पे सोचो रखा है, तो यहाँ और इसके बीच की दूरी r हो गई, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा जी अर्थ का मास इस एम नॉट बाई आर। अब अगर अर्थ के सरफेस से h हाइट पे अगर एम नॉट रख दें, इसको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कह लीजिए, और अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी जब m h हाइट पे चली गई, अब दूरी इसके सेंटर से इसकी होगी r प्लस h, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी एम एम नॉट आर प्लस एच। हम दिखाना ये चाहेंगे कि जब ये एच हाइट पे चला गया मास, तो पोटेंशियल एनर्जी राइज कर गया, ये वैल्यू बढ़ गई, यूएफ यूएफ इज ग्रेटर देन यूआई। कैसे, आप ये सोचिए, ये वैल्यू जो है छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है, तो ये माइनस में जो होगी छोटी वैल्यू होगी, तो आपसे पूछा जाए माइनस पाँच और माइनस दो में बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यहाँ एच हाइट ले जाने में, यहाँ से जब यहाँ चला गया मास, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, यू एफ माइनस यू आई, इतना राइज हुआ। और ये कहाँ से हुआ, ये एनर्जी कहाँ से आई होगी, ये एनर्जी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है, ये कहाँ से आई होगी, कैसे बढ़ गई, वर्क हैज टू बी डन, वर्क किया गया होगा, आप इसको उठाने में यहाँ पे वर्क किए होंगे, तो जो वर्क किए होंगे वही चेंज पोटेंशियल एनर्जी होगी। एक तरीका और भी है, आप इसको उठा के यहाँ से इसको फेंक देते आप किसी वेलोसिटी से, और यहाँ एच हाइट तक पहुँच जाता, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट भी हो सकता है, यानी कि अगर मान लीजिए हमने फेंका था हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी थी, और टोटल किस में कन्वर्ट हो गई, डेल्टा यू में, राइज जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा जो है, पोटेंशियल ने जो जो इंक्रीमेंट है वो कहाँ से आया, एट द कॉस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो कई तरीके हैं, आप या तो वर्क करके वहाँ एच ऊंचाई ले जाइए, चाहे आप थ्रो करके फेंकिए। खैर, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं कितनी आएगी, ये जी एम एम नॉट आर प्लस एच जी एम एम नॉट आर, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, जी एम एम नॉट आर माइनस, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया जाए, जो जो कॉमन है ले लीजिए, जी एम एम नॉट कॉमन है 1/r माइनस 1/r प्लस एच, ये हो गया, तो कितना हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे, हम इधर लिख लेते हैं, डेल्टा यू बराबर जी एम एम नॉट एच आर आर प्लस एच। हमने आपको बताया था कि जो सरफेस पे एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो जी एम बाई आर स्क्वायर होता है, ये पढ़ाए बताए थे आपको हमने, यहाँ से एक का और आर कॉमन ले लीजिए, तो जी एम बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर हो गया, और ये है एम नॉट
एच, तो इसकी वैल्यू जो है हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रखनी होगी, तो एम नॉट जी नॉट एच एच बाई आर। ये फार्मूला बहुत फेमस है कि डेल्टा यू बराबर जो होगा एम जी नॉट एच अपॉन वन प्लस एच बाई आर, ये फार्मूला है। इसको इस फॉर्म में इस तरह नोट करो, ये वन अपॉन ये है ही एम जी एच, जी नॉट से मतलब हमारा जी का ही बस एट द सरफेस ऑफ अर्थ है। अब स्पेशल केस एक बता दें आपको, अगर एच की वैल्यू काफी छोटी होगी आर से, रेडियस ऑफ अर्थ से काफी छोटी हाइट कम होगी, तो ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, तो फिर कितना होगा एम जी एच वन प्लस ए, नेग्लिजिबल जीरो रख दो एम जी एच। हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एम जी एच हमेशा यूज करते हैं, हाई स्कूल से यूज करते आए हैं कि एम जी एच होता है जब कोई एच हाइट पे जाता है, तो कब होता वो फार्मूला, जब एच की वैल्यू आर से काफ़ी छोटी रहेगी, तो एम जी एच हम लोग यूज़ कर लेते हैं कि अगर कोई एम मास है एच हाइट गया ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा एम जी एच, लेकिन उस केस में एच की वैल्यू आर से काफ़ी छोटी होगी। लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन आए ऐसे क्वेश्चन रहे कि मास एम नॉट इज टेकन फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, तो हम कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क बराबर होगा डेल्टा यू बराबर क्या फार्मूला है एच बाई आर, यहाँ एच कितना है आर के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा यू बराबर एम जी आर, यहाँ लिख दें वन प्लस आर बाई आर कट के वन, ये हो जाएगा हाफ एम, इतना वर्क करेंगे। विद व्हाट स्पीड अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन सच दैट इट रीचेस टू अ हाइट इक्वल टू थ्री टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कितनी स्पीड अर्थ है मान लीजिए यहाँ से कितने स्पीड से m को फेंकें, v कितनी हो कि ये जो हाइट है वो 3r तक यहाँ पहुँच जाए, और यहाँ पे जब पहुँच जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली कन्वर्ट किस में हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गई है चेंज इन राइज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका फार्मूला है एम जी एच वन प्लस एच बाई आर, और यहाँ एच की वैल्यू थ्री आर है, तो ये रख लेते हैं एम जी थ्री आर वन प्लस थ्री आर बाई आर, ये कट गया तो थ्री एक फोर हो गया, ये तो थ्री बाई फोर एम जी आर, और ये इक्वल है हाफ एम वी स्क्वायर, तो एक एम से ये कट गया तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ये टू उधर चल जाएगा सिक्स बाई फोर जी आर, तो थ्री बाई टू जी आर, वी इक्वल टू अंडर रूट थ्री बाई टू जी आर, ये वो स्पीड है जितने स्पीड से फेंकने से ये क्या हो जाएगा 3R पहुंच जाएगा, ठीक, ये आंसर हो गया इसका।